शुरुआत करते हैं उस खबर के साथ जिसने आज पूरे देश को दहला कर रख दिया, सहमा कर रख दिया। दरअसल सूरत में दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। तक्षशिला कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लग गई और हादसे में टीचर समेत 19 बच्चों की मौत हो गई। बचने के लिए चौथी मंजिल से बच्चे नीचे कूदते हुए नजर आए। इस दौरान मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख के मुआवजे की घोषणा यहां पर कर दी गई। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने जांच के आदेश भी दे दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट कर दुख अपना जता दिया है। गुजरात सरकार को हर तरह से मदद देने का आदेश भी यहां पर किया गया है। लेकिन सवाल इस बीच बहुत से हैं कि आखिर ये आग क्यों लगी, बचने के उपाय क्यों नहीं थे, फायर इंस्टिगेशन सिस्टम वहां पर क्यों नहीं थे, ये तमाम तरीके के सवाल। लेकिन ये बड़ा हादसा आज हुआ और इस हादसे की वजह से पूरा देश इस सदमे के अंदर नजर आ रहा है। क्योंकि ये जरा देखिए, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें रोंगटे खड़े करने वाली हैं। क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें बेहद डरावनी कहिए या फिर रोंग को कपाने वाली। क्योंकि एक तरफ जरा देखिए किस तरीके से आग यहां पर लगी हुई है और दूसरी तरफ जब इस मंजिल से धुआं निकल रहा है तो उस दौरान गौर से देखिए कि कुछ बच्चे ऐसे ये लाल घेरे में आपको दिखा रहे हैं, जब ये आग लगी तो किस तरीके से बच्चे चौथी मंजिल से नीचे कूदे, चोटें उनको आई हैं, 19 बच्चों की यहां पर मौत हो गई है। बचने के इंतजाम नहीं थे, सुरक्षा के मद्देनजर क्या वाकई में इस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं, ये भी महत्वपूर्ण सवाल। और जिसने इस बिल्डिंग को बनाया और जो इसके लिए जिम्मेदार, क्या उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, ये जिम्मेदारी है दरअसल यहाँ के मुख्यमंत्री की, विजय रूपाणी की। विजय रूपाणी इस हादसे के बाद क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं, ये हम आपको सुना रहे हैं, जरा सुनो। सूरत में ट्यूशन क्लास में आग लगवाने कारण दुर्घटना सर्जानी छे। नाना नाना बाळको आगनी चपेट में आया छे। मृतक बाळकोना सबने बार काढवामां आवी रह्या छे। अत्यंत दुखद अने खराब घटना छे। राज्य सरकारे दुख अने संवेदना प्रगट करू छू। राज्य सरकार संवेदना साथे मृतक बाळकोने एमना परिवारने 4-4 लाख रुपया सहायता ताकीदे आपशे। घायल थयेला बाळकोनी तात्कालिक सारवार थाय माटे व्यवस्थाओ पण। तो विजय रूपाणी का आप सुन रहे थे, जो ये कह रहे थे कि घायलों को जल्द से जल्द सुविधाएं यहाँ पर दी जाएगी, बेहतर इलाज यहाँ पर किया जाएगा और जो मृतक हैं उनके परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए दिए जाएंगे। लेकिन सूरत, गुजरात, प्रधानमंत्री का भी दिल से रिश्ता, तो पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर सूरत में आग त्रासदी से व्यथित होकर ट्विटर पर लिखा कि मैं इससे बेहद पीड़ित हूँ, मेरे विचार शोक संतप्त परिवारों के साथ, घायल जल्दी ठीक हो सकते हैं। वहीं गुजरात सरकार और स्थानीय अधिकारियों से प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए कह दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी संवेदनाएं अपनी व्यक्त यहां पर की है क्योंकि पूरा ही देश इस घटना के बाद सदमे में नजर आता है। लेकिन सवाल इस बीच ये खड़े होते हैं कि ये हादसा अगर वहां पर हुआ तो क्या नियमों के साथ खिलवाड़ किया गया था, क्या बिल्डिंग के पूरे स्ट्रक्चर पर सवाल यहाँ पर खड़े करना क्या गलत है। क्योंकि ना सिर्फ आग तेजी से वहां पर फैलती चली गई बल्कि अंदर आग को बुझाने के इंतजाम नहीं थे। इस दौरान बच्चों को किस तरीके से बचाया जाए ये व्यवस्था भी वहां पर होती हुई दिखाई नहीं दी और यही वजह कि चौथी मंजिल से बच्चे कूदते हुए तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने संवेदनाएं यहाँ पर व्यक्त की और कहा कि वो पीड़ित परिवार के साथ हैं और सभी को सांत्वना देने के साथ उन्होंने ये भी कहा कि गुजरात की सरकार और वहाँ के अधिकारी वो हर संभव मदद करने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, धुएं के गुबार के बीच में सांसें किस तरीके से घुटती हुई नजर आई, थमती हुई नजर आई। ये अपने आप में दिल को दहला देने वाली घटना और नीचे जिस तरीके से सैकड़ों की संख्या में लोग आपको दिखाई दे रहे हैं वो भी दरअसल मजबूर। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आग को बुझा पाती, बच्चों को बचा पाती उससे पहले ही
19 बच्चों की मौत यहां पर हो गई है, जिनमें एक टीचर भी शामिल है। और ये तस्वीरें गुजरात के सूरत की है, जहां पर ये बिल्डिंग कोचिंग संस्थान यहां पर चल रहा था, चौथी मंजिल पर अचानक से आग लगती है और उसके बाद धुएं के गुबार के बीच में सांसें थमती हुई नजर आती है। बच्चे खुद को बचाने के लिए जद्दोजहद करते हुए दिखाई देते हैं और जब उनको कोई रास्ता बचने का नहीं मिलता तो आग से बचने के लिए वो चौथी मंजिल से कूद जाते हैं। 19 बच्चों की, जिनमें एक टीचर भी शामिल, मौत यहां पर हो गई है, इस हादसे की शिकार हो गए हैं। सूरत के अंदर तो आज सन्नाटा होगा ही, लेकिन देश के अंदर भी इस घटना के बाद सन्नाटा और सब हर उस बिल्डिंग पर सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है जहां नियमों को ताक पर रखकर जिंदगियों से खिलवाड़ किया जाता है, क्योंकि अगर बचने की व्यवस्थाएं होती तो बच्चे कम से कम इस तरीके से चौथी मंजिल से कूदते हुए नजर नहीं आते। ये जरा देखिए किस तरीके से बच्चे जद्दोजहद यहां पर करें, उनको लगा कि शायद वो चौथी मंजिल से नीचे की तरफ कूदेंगे तो बीच में वो कहीं पर रुक जाएंगे, लेकिन अफसोस जिस तरीके से वो बचने की सोच रही थी वो उनके पास अंतिम विकल्प था, लेकिन सबसे खतरनाक विकल्प, क्योंकि चौथी मंजिल से आप कूद रहे हैं, जमीन पर आपको गिरना है, इस दौरान बचने के चांसेस कितने होंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इसके बाद कुछ